दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं एक रॉयल फैमिली में जो कि मारवाड़ की सिरियारी रॉयल फैमिली है, जहां आज हम शूट के लिए नहीं बल्कि ठाकुर साहब के साथ पार्टी करने आए हैं। सिरियारी उच्च बाग रिजॉर्ट सबसे हैपनिंग जगह है अगर आपको रॉयल फैमिली के साथ चिल करना हो, और उसी के साथ आज सिरियारी ठाकुर साहब हमें अपने हाथों से सिर्फ 4 स्टेप्स में क्विक लाल मास्क कैसे बनाते हैं वो भी सिखाएंगे। तो देर किस बात की है, चलिए आज राजस्थान की रॉयल फैमिली के साथ पार्टी करते हैं और ठाकुर साहब के साथ देसी ट्रेडिशनल लाल मास्क का स्वाद का मजा भी उठाते हैं। हर सीजन का अलग अलग मीट होता था पहले तो। जी जी, हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि बरसात में बकरे का एवं ये जो पार्लर का जो पानी पीते हैं, बरसात का पानी का जो है उसका सबसे बढ़िया मीट माना जाता है। तो आज वो पार्लर वाला बकरे का मीट, क्या बरसात के पानी पिए हुए बकरे के मीट, आज ठाकुर साहब बनाएंगे। बिल्कुल सर। हाँ, बहुत बढ़िया। तो मैं पहले फिर से एक बार परिचय दे देता हूँ। वैसे तो ठाकुर साहब को भी आप जानते होंगे, पहले वीडियो किए हैं हमने साथ में, एंड हुकुम है सबसे बड़े घर के। और अभी इन्होंने बताया कि किस तरह से कि कौन सा मीट बनने वाला है। सिरियारी राजस्थान मारवाड़ में भी हम लोग हैं, और जिस जगह है उसका नाम है उच्छब बाग रिजॉर्ट। बाकी तैयारी है, ठाकुर साहब बताएंगे कि किस तरह से बनेगा। हुकुम, ये क्या कर रहे हैं, सबसे पहले क्या प्रोसेस हो रहा है? अच्छी जी, जो अपन ने इसके नीचे जो मिट्टी लगाई जी, मिट्टी इस वजह से ये थोड़ा सा नीचे से चैटे भी नहीं और थोड़ा सा हीट प्रॉपर अच्छा दे, इसको हल्का सा गर्म करेंगे जिससे कि वो मिट्टी छूट ना जाए। ओके, मतलब मिट्टी को भी पकाया जा रहा है। पकाया जा रहा है हल्की। ठाकुर साहब पहली बार बना रहे हैं तो पूरा ही वही वाला फील देंगे जैसे। अच्छी जी, अपन स्टार्टिंग तेल डाल लेते हैं जी। देसी जो ट्रेडिशनली हमारे यहाँ लोकल लाल मांस बनता था वो लाल मांस बना रहे हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट नहीं है, बाकी सारे नॉर्मल मीट की तरह प्रोसेस से बनाएंगे। बिल्कुल। तो ये सरसों का ही तेल होगा? सरसों का तेल। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले ना सरसों का तेल डालेंगे। सरसों का तेल अपन थोड़ा सा जो नॉर्मल मीट है उससे ज्यादा डालते हैं। अच्छा, इसका कारण? इसका कारण कि कई बार मीट जब रात को बच भी जाता है जी, तो सुबह जो मॉर्निंग में जो पुराने या ट्रेडिशनल कहते हैं वो मांस रसीजा हुआ मीट होता था, हाँ, उसके ऊपर तरी नहीं होती थी। इस तरी होने की वजह से वो बिल्कुल फ्रेश और उसके खाने का टेस्ट में फर्क रहे। क्या बात, मतलब आज तो मजा ही आने वाला है। हाँ? तो दोस्तों देखो, सेटअप में एक बार आपको बता देता हूँ। वैसे तो मैं सिरियारी जब भी आता हूँ ना, बहुत रॉ बहुत ट्रेडिशनल सेटअप रहता है, और आज भी वैसा ही है। आप देख सकते हो सिगड़ी पे बनेगा, बिल्कुल पीतल का बहुत पुराना और कली किया हुआ बर्तन है, तो बहुत सेफ है। और सरसों का तेल डल चुका है। आपका नाम एक बार बताओ। समरवीर सिंह। यस सर। यहाँ सबसे छोटे? नहीं नहीं, सेकंड लास्ट। सेकंड? ओके, मेरे से छोटे हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, संजम जी छोटे हैं सबसे। ओके। हेलो जी, वेलकम बैक। थैंक यू। मजा आएगा फिर आज। हाँ, आज मजा आएगा। लाल मांस बनवाएंगे, बढ़िया खाएंगे, देसी वाला। यहाँ की वाइब अलग है, मतलब जब आप आते हो ना उच्छब बाग, तो एक तो आप ग्रीनरी तो देख ही सकते हो, सेटअप बिल्कुल रजवाड़ा वाला जो हमेशा होता है। एक तो अपन इसमें गरम मसाले यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी गरम मसाले यूज नहीं करेंगे। क्या बात तो है। मीट तो सबसे पहले तो मीट, और मीट क्योंकि यहाँ का लोकल है। 1 किलो है? 1 किलो। ओ, दही? दही, टमाटर? दही है, टमाटर है। दही भी देख लीजिए, घर की है, आपको रंगत बता देगी। बहुत बढ़िया। और एक्चुअली ना टेस्ट भी इसी वजह से आता है कि सारी चीजें ऑर्गेनिक होती हैं यहाँ पे सिरियारी में, सब कुछ ना खेत का होता है। टमाटर हो गया, प्याज हो गया, प्याज हो गया जी, नमक, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, साबुत सूखा धनिया, हरा धनिया, हरा धनिया, और ये साबुत लाल मिर्च और साबुत धनिया और हरी मिर्च। हरी, ये अपन जो साबुत मिर्च और साबुत धनिया यूज करें, ये गरम मसाले की जगह यूज। अच्छा, इसको फ्लेवर देने के लिए जो लोग गरम मसाले का फ्लेवर देते हैं, अपन इसका फ्लेवर देंगे। अपन इसका देंगे? हाँ, इसका फ्लेवर देंगे। तो स्टार्टिंग सबसे पहले अपन इससे करेंगे। देखो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है ना, सूखी लाल मिर्चें हैं कुछ, और धनिया है साबुत, पहले ये डालेंगे, है ना, सबसे पहले। बहुत। और उसी के साथ में ये अपन मिर्ची हरी वाली, हरी वाली, और फिर प्याज। ठीक है, अब आप देखेंगे अंदर से, साइड से भी आपको महसूस होना चालू हो गया होगा, बिल्कुल हल्के से तो गर्म हो गया है, गर्म हो चुका है। और अब इसमें डालेंगे, देखिए एक एक करके चीजें। ये सबसे पहले जो अपन साबुत लाल मिर्च और साबुत धनिया जी डालेंगे। क्या बात है। हरी मिर्च, प्याज डालेंगे, आपको खुशबू से ही महसूस हो गया होता है कि लाल मिर्च और धनिया की आपको दूर से ही खुशबू, और ना तेल कितना ओरिजिनल है ना वो आंखें बता देती हैं। खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है सरसों के तेल की और मसालों की। और देखो यहाँ पर ना इतनी शांति है कि इस बार हमने कोई माइक नहीं लगाया, आप देख सकते हो किसी की भी शर्ट पे कोई माइक नहीं है, और इतनी क्लियर आवाज आ रही है, तो आप सोच सकते हो कि क्या शांति होगी यहाँ। बहुत खूब। अब आशीष जी, अब जैसे प्याज डाले जी, अपन प्याज को पकाएंगे नहीं,
खाली प्याज को अपन नरम करेंगे। अच्छा, पकाएंगे नहीं, जिसको कहते हैं कि भाई हल्का सा प्याज पे वो पकने का टेस्ट ना हो के जो कलर वो ना आके इसको खाली थी, ये नरम होते ही मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे ये नरम। अब जैसे ये हल्का हल्का नरम होना स्टार्ट हो गया है। हाँ दोस्तों, देखो जिस तरह से ठाकुर साहब बता रहे थे तो अभी उतना नरम हो चुका है प्याज कि हम लोग इसमें जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो डालेंगे और वो होगा टमाटर। टमाटर डालते हैं। और एक और चीज मैं आपको बताऊंगा आज कि आज ना हम लोग शूट के मूड से नहीं कर रहे हम लोग, ये आज हम पार्टी करेंगे। और ठाकुर साहब खुद अपने हाथों से बना रहे थे तो मुझे लगा ये चीज तो डॉक्यूमेंट होनी चाहिए और इसीलिए मैंने अपना कैमरा निकाल लिया। एक बहुत ही यूनिक आपको रेसिपी मिलेगी, बहुत सिंपल बट लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट है क्योंकि मैंने ये रेसिपी पहले खाई हुई है सिरियारी में ही, तो मैं जानता हूँ इसका टेस्ट क्या। तो आज मुझे रेसिपी भी मिल जाएगी और आप लोगों को भी। और आज आपको ना सिरियारी उच्छब बाग का पूरा माहौल बताएंगे और किस तरह से यहाँ पे पार्टीज होती है ना वो भी बताएंगे। तो ठाकुर साहब ये जो पलटा है ना, ये जो चम्मच है इसकी भी एक हिस्ट्री है ना। ये पुराने ट्रेडिशनली चमचे हुआ करते थे और चम्मच हुआ करते थे लोहे के जी, और पुराना है, बहुत पुराना है। तो कुम वैसे तो लाल मांस बहुत लोग बनाते हैं अपने अपने तरीके से, बनाते अपने तरीके से। ये भी लाली मांस बना रहे हैं जी, पर तो इसमें अपन गरम मसाला यूज की नहीं करके और लाल मिर्च और धनिया को देखे और वही अपने हिसाब से ही। आपका खुद का मेरा खुद का तरीका है ना, जिसमें आप बस ये धनिया और मिर्ची से स्टार्ट करते हो और अपने हिसाब से बनाते हैं। ये आप देखें अब जी नरम और होने हुए, अब इस पर मीट डाल देंगे। इसमें मीट डाल देंगे अभी, मीट डाल देंगे। मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि आप सबको जल्दी जल्दी मतलब ज़्यादा नहीं पका नहीं रहे। ये सारे मसाले जितने भी ये प्याज हैं टमाटर हैं ये सारे मीट के पानी में पकेंगे। और इसमें क्या क्या है हुकुम पीसेस में? ये चाप है। अच्छा, हमने चाप भी ली है, नली भी ली है। ये नली बहुत नली भी है, सारे लिए हैं और बड़े पीसेस बड़े हैं ना। तो आपकी लाल मांस की प्रिपरेशन कितनी देर में हो जाती है? करीब घंटा सवा घंटा, एक सवा घंटे में हो जाती है ना? खुला बनाने इतना तो एटलीस्ट लगता है टाइम, राइट? मीट को खुद को पकने में एक टाइम लगता ही है जी। तो कब कब ऐसा होता है कि आपका मूड पार्टी करने का होता है? जनरली कोई गेस्ट होते हैं जी तब रहता है, और बाकी संजम और हम कभी फ्री होते हैं जी। समर है, पुण्यवर्धन जब जयपुर से आता है तब हम चारों भाई होते हैं, तब भी पार्टी करने का मूड कि भाई बारिश है या अच्छा मौसम है उसमें। तो मतलब जैसे माहौल बना बहुत बढ़िया। 30 मिनट से हम लोग इसको भून रहे हैं और उसके बाद अभी देखिए ये इसमें नमक डालेंगे। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, बहुत सिंपल रेसिपी होती है ये। आ गया अभी हल्दी डाल रहे हैं। हल्दी एक टीस्पून हमने भी डाली थी। ये धनिया पाउडर आज का थोड़ा बारिश का मौसम था और बारिश हुई थी सिरियारी में, इसलिए जो अगर आप देखोगे ना तो धुआं ज़्यादा आता है जब सर्दी होती है या बारिश का नमी वाला मौसम होता है तो बर्तन में से धुआं बहुत ज़्यादा आता है, जो कि आपको ये महसूस हो रहा होगा अभी। अभी आ गई लाल मिर्च, लाल मारवाड़ की लोकल लोकल अब अपन दही डाल दें इसमें, मतलब एक के बाद एक जल्दी जल्दी हमने चीज़ें डाली हैं इसमें, ये देखिए। और मिर्ची डलती है ना, देखिए रंगत कितनी शानदार आ गई थी। दही के साथ अपन पानी भी डालेंगे थोड़ा। अच्छा, तो अभी हुकम आपने सारी चीज़ें बराबर से जल्दी जल्दी डाल के अब तो इस पोजीशन पे आ गया कि ढक देंगे। अब ढक देंगे, अब लहसुन इसमें सबसे लास्ट में देंगे अपन। अच्छा, वो बिल्कुल लास्ट तक फ्लेवर रहेगा, लास्ट तक फ्लेवर रहेगा अपन। तो अभी ढक देंगे हुकुम, अब ढक देंगे। देखिए आप इसमें ऊपर तेल भी आ चुका है जी, जो अपन ने मतलब तेल ज्यादा डाला था जी। वो ये कारण था कि तेल वो मीट ने तेल छोड़ भी दिया पानी डालने की वजह से, और अब ये अपन इस खुले में करीब 20 से 25 मिनट तक इसको पकाएंगे। यहाँ का जो वाइब है ना वो बहुत बहुत सही है, आपको मोर की आवाज आ रही होगी चारों तरफ, अगर आप देखेंगे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पेड़ हैं, पौधे हैं, ग्रीनरी बहुत अच्छी है। ऊपर से आज ठाकुर साहब खुद बना रहे हैं तो वो तो स्वाद में ले चुका हूं, तो मुझे पता है कि क्या बन करके आने वाला है। रंगत आप देखो, और बनाने का जो तरीका था ना बहुत सिंपल था, बहुत फास्ट था, बस
जो है मटन को एक भुनाव दे करके सारे मसाले साथ में डाले, पानी भी एकदम से डाल दिया है ना, और उसके बावजूद जो तेल था ना वो एकदम से ऊपर आ गया क्योंकि ज्यादा डाला था, और रुकुम ने बताया कि क्यों डाला था। बहुत सिंपल कुकिंग, लेकिन अभी देखो पक्षियों की आवाज की अब क्योंकि माहौल हो गया है। तो दोस्तों देखो अब ना ढके हुए हमको तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं, और अब हम इसको देखिए, क्या बात है यार आशीष जी, आप देखें इसमें करीब करीब भुनाव की तरह आ चुका है, बहुत बढ़िया। आप नीचे की तरफ अपन देखें जो मिट्टी लगाई थी अपन, उसका ये कारण था कि नीचे ना तो मीट चैटा। हाँ। और अब अपन इसमें लहसुन और हरा धनिया कूटा हुआ दोनों बिल्कुल अच्छे से कूट के लाए, कूट के लाए, बहुत बढ़िया। लहसुन के साथ हरा धनिया डालने से इसका फ्लेवर है वो कुछ, आपको डालते ही आपको जो सुगंध आ रही है उससे ही आपको महसूस हो जाएगा, मजा ही आ गया हुकुम। थोड़ा सा पानी बस, थोड़ा सा पानी, जितनी अपने को ग्रेवी करनी है जिस हिसाब से उतना अच्छा, ही पानी डालेंगे। तो इसकी किस तरह की ग्रेवी रहेगी? ज्यादा पतला नहीं करेंगे अपन, थोड़े से आप मेहमान बता रहे हो इतनी पतली नहीं करेंगे जी। ये देखो यार, लुक एट दिस, बिल्कुल ना एक एक जो अभी धनिया और लहसुन डाला ना वो भी आपको देख रहा होगा इस नली पे। अब पानी डाल दें आशीष जी, आप लाएं नज़दीक से देखें, अपन ने आपने देखा होगा लहसुन को भी ज़्यादा नहीं पकाया। हाँ। जिससे कि जो खुशबू है जी लहसुन और हरे धनिया की जो खुशबू है वो आती रहे लास्ट तक, खुशबू और फ्लेवर छोड़ेगा नहीं है ना, छोड़ेगा। पानी डाल दिया है मेरे ख्याल से और 5-10 मिनट, हाँ 10 मिनट और, 10 मिनट और, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों देखो वैसे तो जो है ना हमारा मटन बन के रेडी हो गया था तकरीबन 1 घंटा पहले, बट हम लोग क्योंकि वहां चले गए थे और क्योंकि ठाकुर साहब के साथ हैं तो थोड़ी मनवार हो गई, और मैंने तो आपको कहा था ठाकुर साहब की मनवार जो है ना वो नेक्स्ट लेवल होती है। तो अभी जो है ना अभी हम देखो ये निकालेंगे आशीष भाई, अब अपन इसको गार्निश कर देते हैं। ये देखो यार, मतलब जितने खीरे यानी जितने कोयले थे, उस पे छोड़ दिया था, अभी देखो इस पे श्रृंगार किया जा रहा है, यानी जो धनिया है ना ऊपर से वो डाला जा रहा है, रंगत और जो खुशबू इस भाप के साथ आ रही है ना नेक्स्ट लेवल है। मारवाड़ी में पुरानी कहा थी के पालर वायो बकरियो, और उसका टेस्ट जो आज आप करेंगे वो एक टेस्ट ही बहुत अलग ही होगा। और इस टेस्ट को लिए मैं आपको पहले सर्व करता हूँ, फिर आपको देखा। मेरा सौभाग्य कि आज आपने बनाया खुद के हाथों से और सर्व भी खुद कर रहे हैं, क्या बात है। सी द कंसिस्टेंसी, सी द पीसेस, ये नली का पीस मैं आपको सी यार, कलर बहुत अच्छा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, और जो रंगत है ना वो बता रही है कि कितना सही जो है ना ये मटन बना हुआ है। जो मैंने आपको चाप के लिए कहा था, जो बड़ी चाप थी वो ये आ गई, देखो चाप भी, और ये जो ग्रेवी है, ग्रेवी है, और इसमें लास्ट में बिल्कुल जो है ना हमने लहसुन और वो डाला था ना वो अभी भी आप देख रहे हैं, अभी भी दिख रहा है, दिख रहा है। पहले शिकार के टाइम क्या हुआ करता था कि काफी टाइम पहले कि जब मीट में टाइम कम होता था तो सारी एक साथ डाल के चढ़ा देते थे, तो वो धीरे हल्की आंच में, कभी तेज कभी धीरे आंच में जो मीट पकता था वो आज उसको आप देखें तो दी हुकुम ने बनाया खुद से, उन्होंने हमारे लिए सर्व किया, इससे तो मतलब कहते ना कि इससे बड़ी बात नहीं कोई हो सकती। थैंक यू सो मच, बहुत मजा है। तो अभी जो रिव्यू करते हैं वो आपको बताते हैं कि इसका स्वाद कैसा है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा, मेरा नाम है आशीष और एक बार फिर मैं आ गया हूँ सिरियारी रॉयल फैमिली में, और आपने मेरी पहले भी वीडियोस देखी होंगी। सिरियारी ठिकाना मारवाड़ में है। आज जो सिरियारी ठाकुर साहब ने हमारे लिए ये लाल मांस बनाया है ना, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, इतनी क्विक लाल मांस रेसिपी मैंने आज तक नहीं देखी थी। तो दोस्तों देखो ये जो है ना, ये है जी पूरा जो इसका लुक है, इसका जो फील है। अब देखो मैं ज्यादा देर नहीं करूंगा और अपन इसका अपना टेस्ट ले लेते हैं। और अभी देखो मैं है ना ये एक नली का पीस लिया है मैंने, बिल्कुल भरा हुआ, गलावट चेकआउट करो आप, ये देखो मतलब बिल्कुल इजीली, ये देखो पूरी नली छोड़ दी इसने, देख रहे हो, बिल्कुल दम नहीं लगाना पड़ा। और अब ना इसको इस तरह से लेते हैं, सी पहले तो मैं इसी को खा के बताता हूँ आपको। क्या होता है देखो, मटन रेसिपी जब भी बनती है ना, तो जब आपने उसको बना लिया, जब वो रेडी हो गई है, और तब आपने उसको अगर छोड़ दिया तकरीबन आधा घंटा या 40 मिनट या 1 घंटा, तो जब वो मटन सेट हो जाता है ना तब एक्चुअल उसकी गलावट आपको महसूस होगी, और वो बकायदा इसमें आ रही है। क्योंकि 40 मिनट जब हम लोग बातें कर रहे थे, सब लोग बैठे थे, मलिनाथ जी जो अभी ठाकुर साहब हैं सिरियारी ठाकुर साहब, तब हम लोगों ने इसको छोड़ दिया था, और वो बन करके अभी जब ये इस तरह से निकला है ना, और ये देखो मैं थोड़ा सा इसको ना ग्रेवी के साथ लेता हूँ। See, this is my bite now.
खा के तो समझ में आ गया कि कितना सही बना ये। राजस्थान का देखो, राजस्थान में जो लाल मांस बनता है ना, हर कोई अपने स्टाइल से लाल मांस को बनाता है। कुछ लोग झोलिया लाल मांस बनाते हैं, कुछ लोग लटपट ग्रेवी के साथ रखते हैं, कुछ लोग भुना मटन को भी लाल मांस कहते हैं। बट ये जो लाल मांस बना है ना, आप देख सकते हो ग्रेवी का पार्ट ना तो ज्यादा झोलिया है ना तो ज्यादा लटपट है। ये इस तरह की ग्रेवी है कि आप अगर चाहो तो चूर के खा लीजिए, या फिर इस तरह ना इसके साथ में मांस बिल्कुल रोटी पे इजीली आ जाता है। फिर जब ये हम लोग लेते हैं ना ग्रेवी, और इस ग्रेवी में आपने देखा था लहसुन और धनिया डाला था, वो हर एक बाइट के साथ आपको फील देगा। और उसको लास्ट में डालने का मकसद ही ये था कि जब आप उसको खाते हो ना तो आपको फ्लेवर जो है ना वो लास्ट तक मिलता है, और वो एक अपनी खुशबू के साथ में। टेस्ट तो अच्छा है ही, पर ये जो फील है ना, उच्छबाग रिजॉर्ट जब भी आप आते हो तो आपको बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करने को मिलती है। जैसे अगर आप उच्छबाग का पैकेज लेना चाहते हो तो उसमें वैली क्वीन ट्रेन है जो कि उच्छबाग के पैकेज में ही आती है। जो वैली क्वीन ट्रेन है गोराम घाट से कामली घाट जाती है और कामली घाट से फौलाद तक आती है, और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वैसे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जो वैली क्वीन ट्रेन है ना, वो एक तरीके से एक पर्सनलाइज ट्रेन एक्सपीरियंस है जिसमें दो बोगीज होती है, आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं, वहीं पर आप जो है ब्रेकफास्ट और जो चाय का लुत्फ उठा सकते हैं। ट्रेन बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर रुकती है या फिर बहुत ऐसी जगह पर रुकती है जहां पर आप उतर सकते हैं, आप ट्रैक पे चल सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा ट्रैक आता है, बीच में एक पुल आता है जहां पर आप उतर करके सारा व्यू है ना वहां से ले सकते हैं। तो ये सब कुछ इसी के पैकेज में इंक्लूड होता है। जो पैकेज की इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। तो अब क्योंकि मैंने इसको खा लिया है अच्छे से, तो अब मैं आपको इसकी रेटिंग दे सकता हूँ, और इसकी रेटिंग आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। इसकी रेटिंग बकायदा ही होनी चाहिए, और बाकी की डिटेल्स के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम हमारी वीडियोस को यूट्यूब पर तो डालते ही हैं, हम हमारी वीडियोस को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी डालते हैं, और अभी हमने हमारी एक वेबसाइट भी लॉन्च की है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। अगर आप हमारी कवर की हुई जगह के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हो। सो आई थिंक दिस इज इट फॉर नाउ। अब मैं आपसे मिलूंगा किसी और दिन, किसी और नई जगह, किसी और नई जायके के साथ। टिल देन, be happy.